गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एयर। इसमें हमने आपको पढ़ाया कि यूजेस क्या होते हैं एयर के, यूजेस क्या होते हैं एयर के। मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था, राइट द यूजेस ऑफ एयर एंड लर्न। आपको क्या करना था, उसमें एयर के यूजेस लिखने थे, उसे लर्न करना था। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो एयर है वो हमारे चारों तरफ होती है, विदाउट एयर हम लिव नहीं कर सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले बताइए बेटा, यूजेस बताइए एयर के क्या क्या यूजेस थे। ड्राई आवर क्लॉथ, कपड़े सुखाने में, और ब्रीथ यानी सांस लेने में, वेरी गुड। और क्या था, टायर्स में फिल करने में, और वेरी गुड। मतलब इसमें से आपको याद किया है आप लोगों ने, टायर में फिल करने में भी हवा यूज की जाती है। और क्या था, फ्लाइंग काइट्स, ओके, फ्लाइंग काइट्स यानी काइट्स को उड़ाने में। वाइंड मीन्स ब्लेड्स, जो सॉरी मैंने आपको बताया था, एयर रन्स द ब्लाइंड ऑफ द ब्लाइंड मील्स, यानी जो एयर में ब्लाइंड मील होता है, जब हवा तेज़ी से चलती है तो जो ब्लेड्स होती हैं, ठीक है, वो उसे रन करने में हेल्प करती है, उससे बिजली बनती है, ये बनता है, ओके। फिर था, प्लांट्स नीड एयर टू मेक द फूड, जो प्लांट होते हैं, ओके, उनको भी खाना बनाने में एयर की हेल्प होती है। मैंने ब्लाइंड मीन्स का आपको अलग बता दिया था, उसका सही मीन था ब्लेड्स जो होती है, आपको पिक्चर दी गई है। जब हवा तेज़ी से चलेगी तो ये जो ब्लेड्स हैं वो रन करेगी यानी चलेगी, और इससे बिजली बनाई जाती है और बहुत से यूजेस लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये एयर का यूज़ था, और साइकिल के टायर्स में आपको बताया था मैंने, वो बता, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले रिवाइज टॉपिक आपको दिया गया है, एयर इज़ आल्सो अराउंड अस, एयर हमारे चारों तरफ होती है। वी नीड एयर टू ब्रीथ, वी नीड एयर टू ब्रीथ, हमें ज़िंदा रहने के लिए, एहसास लेने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। एयर इज़ यूज टू फ्लाइंग काइट्स, एयर का यूज़ किया जाता है पतंग को उड़ाने में। ऑल लिविंग बीइंग विल डाई इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब हवा नहीं होगी तो जितने भी लिविंग हैं यानी जीवित व्यक्ति है या जीवित चीज़ें हैं वो सारी क्या हो जाएगी, डाई हो जाएगी यानी मर जाएगी। एंड एयर रन्स ब्लेड्स ऑफ वाइंड मिल, जो ब्लेड्स होती है वो रन करती है वाइंड मिल यानी तेज हवा में, इसका अर्थ ये था, ठीक है बेटा। अब देखिए, ए देखिए आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, ए क्वेश्चन नंबर ए, चूज चूज एंड अंडरलाइन choose and underline the correct option, the correct correct यानी सही option means आपको दो options दिए गए हैं, दो words दिए गए हैं, उनमें से आपको सही option को चुनना है। sorry, choose and underline the correct option, choose and underline the correct option, आपको सही option को चुनना है और उसके नीचे underline करनी है। First क्या दिया गया है देखिए, air oblique वाटर, ये आपको पिंक कलर में दिया गया है। एयर या फिर वाटर, दो ऑप्शन दिए गए हैं। इज ऑल, इज ऑल अराउंड अस, अराउंड अस, आपको दिया गया है एयर हमारे चारों तरफ है या फिर वाटर हमारे चारों तरफ है, आपको दोनों में से बताना है कि एयर हमारे चारों तरफ है या फिर वाटर हमारे चारों तरफ है। तो क्या है हमारे चारों तरफ,
एयर, तो सही ऑप्शन होगा एयर। तो एयर के नीचे क्या करेंगे आप लोग, अंडरलाइन कर लेंगे। ओके, इसी तरीके से आपको कॉपी में भी करना है और बुक में भी फिल करना है। तो क्या लिखा हुआ है, एयर, सही सेंटेंस होगा एयर, मिज़त बोलिए एयर इज ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ सभी जगह क्या होती है, हवा होती है। ओके, सेकेंड है आपका क्वेश्चन, वी कैन नॉट सी, डब्ल्यू ई वी सी ए एन कैन एन ओ टी नॉट कैन नॉट एस डबल ई सी, सी मीन्स क्या होता है, देखना, वी कैन नॉट सी ए आई आर एयर, वी कैन नॉट सी एयर, या फिर आपको ऑप्शन दिया गया है फूड। वी कैन नॉट सी एयर या फिर फूड, आप किसे नहीं देख सकते हैं, एयर को या फिर फूड, फूड मीन्स खाना और एयर मीन्स हवा, बताइए, वो तो बहुत ईजी है, आप बताइए आंसर, आप किसे नहीं देख सकते या हम किसे नहीं देख सकते हैं, सी मीन्स होता है देखना, तो किसे नहीं देख सकते, आप खाने को देख नहीं सकते हो, देख सकते हो, तो किसे नहीं देख सकते हैं, एयर को, इट मीन्स हवा को, तो सही ऑप्शन होगा एयर, वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को नहीं देख सकते हैं। ओके, थर्ड है आपके पास पेज नंबर दिया गया है 22 पे, देखिए, वी नीड एयर, वी नीड एयर टू स्मेल, स्मेल या फिर दिया गया है ब्रीथ, ब्रीथ आपको दिया गया है, वी नीड एयर टू स्मेल या फिर ब्रीथ, आपको एयर की ज़रूरत होती है स्मेल लेने में यानी सूंघने में या फिर ब्रीथ यानी सांस लेने में, बताइए। नॉर्मली स्मेल भी हमें हवा से ही उड़ के हमारे नाक तक पहुँचती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, ब्रीथ, सांस लेने में, वी नीड टू एयर टू ब्रीथ, क्या होगा बेटा, ब्रीथ, वी नीड टू एयर टू ब्रीथ, वी नीड एयर टू ब्रीथ, हमें सांस लेने में हवा की ज़रूरत होती है। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें आपका, एयर इज यूज्ड, एयर इज यूज्ड, एयर इज यूज्ड फॉर फ्लाइंग, फ्लाइंग अ काइट, ऑप्शन आपको दिया गया है काइट, और एक ऑप्शन दिया गया है साइकिल, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, क्या कहा गया है, एयर इज यूज्ड फॉर फ्लाइंग, फ्लाइंग मीन्स उड़ाने में, एयर का यूज किया जाता है उड़ाने में, किसे उड़ाने में, काइट या फिर साइकिल, तो बताइए दोनों में से क्या आएगा, किस यूज में लिया जाती है एयर को, काइट को उड़ाने में या साइकिल, उड़ता क्या है, काइट या फिर साइकिल, काइट, वेरी गुड, तो आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट, राइट, ओके, तो किस ऑप्शन के नीचे अंडरलाइन करोगे, काइट के नीचे, एयर इज यूज्ड फॉर फ्लाइंग अ काइट, एयर का यूज किया जाता है एक पतंग को उड़ाने में। ये क्वेश्चन नंबर ए आपका कंप्लीट हो चुका है, सारे बच्चे से क्या करेंगे, बुक में फिल करेंगे। अब हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर बी, ए आपने कर लिया, बी में आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। क्वेश्चन बी में आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से करेक्ट वर्ड्स को, जो ब्लैंक्स दिए गए हैं यानी खाली स्थान दिए गए हैं, उनमें फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन बी है फिल
इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प। क्वेश्चन नंबर बी है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। ये वर्ड्स मैंने आपके साइड में लिख दिए हैं, कौन कौन से हैं? ब्रीथ, एयर, प्लांट्स एंड वाइंड मिल। ये फोर वर्ड्स हैं, इनकी हेल्प से आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो देखिए, हम पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसमें वर्ड को फिल करेंगे। तो क्या है पहला? वी कैन नॉट स्टे, ठीक है, वी कैन नॉट स्टे अलाइव विदाउट। हम किसके बिना नहीं रह सकते हैं, किसके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं? देखिए, ब्रीथ, एयर, प्लांट्स एंड वाइंड मिल। आपने इतने सारे सेंटेंस पढ़े तो आपको पता होगा उसमें सेंटेंस में लिखा गया था, आपकी बुक के ही सेंटेंस में से है ये, वी कैन नॉट स्टे अलाइव विदाउट एयर। तो यहाँ फिल करोगे आप लोग एयर, हम बिना हवा के जिंदा नहीं रह सकते। तो फर्स्ट में आ जाएगा एयर, वी कैन नॉट स्टे अलाइव विदाउट एयर। सेकेंड है आपके पास, वी नीड एयर टू, वी नीड एयर टू, हमें हवा की ज़रूरत है। किसमें? ब्रीथ में, सांस लेने में, प्लांट्स यानी पौधों में, यानी वाइंड मिल में। वाइंड मिल तो अलग चीज़ आ गई, तेज हवा चलती है उसको वाइंड मिल कहते हैं। तो ब्रीथ एंड प्लांट्स, तो क्या आएगा? ब्रीथ में, वी नीड एयर टू ब्रीथ, हमें सांस लेने में हवा की ज़रूरत होती है। बी आर ई ए टी एच ई, ब्रीथ, ओके, वी नीड एयर टू ब्रीथ। फिर है एयर रन्स द ब्लेड्स ऑफ अ, ब्लेड्स किस में रन करती है? वाइंड मिल में। किस में? वाइंड मिल में, यानी जब तेज हवा चलती है तो जो ब्लेड्स है वो रन करती है, यानी घूमती है, ओके। तो यहाँ आएगा वाइंड, सेकंड में हो जाएगा ब्रिज और थर्ड में हो जाएगा वाइंड मिल, ओके। वी नीड टू एयर टू ब्रिज एंड एयर रन्स द ब्लेड्स ऑफ अ वाइंड मिल। फिर आपको डैश दिया गया है फोर्थ में, स्टार्टिंग में डैश है, नीड एयर टू मेक देयर फूड। हवा की जो आपको यूजेस दिए गए थे उसमें दिया गया था फूड, फूड बनाने में किसको हेल्प चाहिए हवा की? प्लांट्स को। तो आपका ऑप्शन भी लास्ट यही बचा है, तो फोर्थ में आ जाएगा प्लांट्स। क्या आ जाएगा बेटा? प्लांट्स, इसका मीन हुआ प्लांट्स नीड एयर टू मेक देयर फूड, यानी पौधों को अपना खाना बनाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये सही फिल किए हैं या नहीं। देखिए, वी कैन नॉट स्टे अलाइव विदाउट एयर, हम बिना हवा के जीवित नहीं रह सकते हैं, तो एयर सही है। वी नीड एयर टू ब्रीथ, हमें ब्रीथ यानी सांस लेने में ज़रूरत होती है हवा की, ये भी सही है। एयर रन्स द ब्लेड्स ऑफ अ वाइंड मिल, जो ब्लेड्स होती है वो किससे चलती है? वाइंड मिल, जब तेज हवा चलती है उससे घूमती है, यानी रन करती है। प्लांट्स नीड एयर टू मेक देयर फूड, प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन नंबर बी भी फुट अप फिल हो चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको कॉपी में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर ए एंड बी आपको करना है एस डब्ल्यू, क्वेश्चन ए एंड बी इन कॉपी। आपको क्वेश्चन ए और बी कहाँ करना है बेटा? कॉपी के अंदर करना है और इसे बुक में भी फिल करना है, और उसके अलावा आपको इन्हें लर्न भी करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।